यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो जींद में 120 दलितों की ओर से मांगे पूरी न होने के कारण धर्म परिवर्तन करने के मामले में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई है। अनिल विज ने धर्म परिवर्तन करने के मामले पर कहा कि लोगों ने धर्म के लिए सिर कटवा दिए लेकिन धर्म नहीं बदला। ऐसे में किसी भी मांग के पूरा न होने पर धर्म परिवर्तन करवाना उचित नहीं है और न ही अपनी बात मनवाने का कोई तरीका है। जींद में दलितों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर बौद्ध धर्म अपनाया, जिसकी पहले भी आपको जानकारी दी। दलित समाज के लोगों का कहना है कि पिछले 113 दिनों से धरने पर वो लोग थे लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की। दलितों का ये भी आरोप है कि उनकी मांगे नई मांगे नहीं है, वही मांगे हैं जो कि सरकार खुद से कह चुकी है कि पूरी की जाएंगी, लेकिन सरकार ने उन मांगों को पूरा करना जरूरी नहीं समझा, जिसके चलते दलित समाज की ओर से यह कदम उठाया गया। देखिए, ये कोई वाजब तरीका नहीं है अपनी बात कहने का। आंदोलन होते हैं, सरकार बात भी सुनती है और जो वाजब बातें होती हैं सरकार उसको माना भी करती है, कई बार अविलंब भी हो जाता है, लेकिन केवल इसी आधार के ऊपर अपना धर्म बदल लेना ये ठीक बात नहीं है। आदमी को अपने धर्म का पक्का होना चाहिए और धर्म तो लोगों ने सर कटवा दिए और धर्म नहीं बदले।